जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ में सोमवार को 80 वाहनों की नीलामी की गई। इस दौरान 12 चार पहिया वाहन सहित 2 पहिया वाहनों के लिए सर्वाधिक बोली 6.5 लाख रुपए की लगी। बोली लगाने वाले को सभी वाहन समस्त पेमेंट देने पर दिए गए। आपको बता दें कि बोली लगाने वाले बड़ी संख्या में बाबूगढ़ थाने पर पहुंचे। आपको बताते चले कि जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली परिसर में पिछले कई वर्षों से खड़े वाहनों को पुलिस ने सोमवार को नीलाम किया। इस दौरान करीब 80 वाहनों को 6.5 लाख में नीलाम किया गया। नायब तहसीलदार पुष्पांकर देव, बाबूगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट की मौजूदगी में बोली का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वाधिक बोली 6.5 लाख रुपए की लगी। उजाला न्यूज से गौरांग गोयल की रिपोर्ट। सभी भाजपा पदाधिकारियों ने महापौर समूह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। बापू एवं शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा स्वच्छता व नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पति प्रमोद नागर, जिला उपाध्यक्ष राजीव सिरोही, भूमि विकास बैंक चेयरमैन सुभाष प्रधान, सिंभावली भाजपा मंडल अध्यक्ष राजीव शर्मा, पूर्व सांसद प्रत्येकी योगेंद्र तंवर, मनीष भारद्वाज, धर्मेंद्र अरुण, संदीप नागर, सुधीर बिदूड़ी, योगेश तंवर, प्रिंस आवी, बंटी शर्मा, उन्नी शेख सावरिया आदि रहे। उजाला न्यूज़ हापुड़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें।